क्रिकेट में होम और अवे मैच की काफी चर्चा रहती है क्योंकि अपने घर में खेलने का आपको फायदा मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ पिछले करीब 1400 दिन से ऐसा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की टीम को आखिरकार अब जीत नसीब हो गई है। घरेलू जमीन पर टेस्ट मैच जीतने का उसका इंतजार आखिर थम गया है। बाबर आजम को जिस मैच में पाकिस्तान टीम ने बाहर किया उसी में उसने 152 रन से बड़ी जीत दर्ज कर ली। मुल्तान में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सिर्फ 4 दिन में चित कर दिया। पाकिस्तान की इस जीत में हीरो उसके स्पिनर रहे जिन्होंने सभी 20 विकेट अपने नाम किए। इस शानदार जीत के साथ पाकिस्तान के 1338 दिन से चले आ रहे इंतजार पर भी विराम लग गया। इस मैच के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन आए और हर किसी के निशाने पर सिर्फ एक ही नाम रहा और वो था बाबर आजम का। बाबर आजम लगातार फ्लॉप चल रहे थे और तमाम सवाल उठने लगे थे कि उनको टीम से बाहर कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही बाबर आजम बाहर हुए वैसे ही उनकी टीम को जीत मिल गई। इस मैच के बाद ट्विटर पर कई ऐसे रिएक्शन आए जो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को कामरान गुलाम, सलमान आगा, साजिद खान और नौमान अली जैसे शानदार परफॉर्मेंस चाहिए, उसे कोई पीआर एजेंसी नहीं चाहिए। पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया और लिखा कि अगर आप जर्सी के आगे जो नाम लिखा होता है उसे, यानी जो देश का नाम है उसके लिए खेलोगे तो आपका नाम हर कोई याद रखेगा। साफ है कि हर किसी का निशाना सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर ही है क्योंकि बाबर पर यह आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ अपने स्कोर, अपने रनों और अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। बाबर आजम के बल्ले से ना लंबे वक्त से रन निकले और ना ही कोई कमाल हुआ। यही वजह है कि इस तरह उनकी आलोचना हो रही है और सिर्फ आलोचना ही नहीं हो रही है बल्कि उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान का ट्विटर ऐसे ट्वीट और मीम से भरा हुआ है क्योंकि बाबर आजम की जगह जिन कामरान गुलाम को लाया गया था उन्होंने सेंचुरी जड़ दी और फिर टीम भी जीत गई। इसलिए सच तो यही है कि जब बिना बाबर आजम के टीम को जीत मिल रही है तो फिर उनका काम क्या रह गया। पाकिस्तान की इस जीत के बाद बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने भी बधाई दी लेकिन लोगों ने उस पर भी उन्हें ट्रोल कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।